हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पैरामेडिको वर्ल्ड। सो ये जो है ये फोर्थ पार्ट है नर्सिंग एप्टीट्यूड प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का। अगर आपने बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्प करेंगे, उन्हें भी देख लें। और इस जो पार्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है डिपार्टमेंट इन अ हॉस्पिटल। आपके हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, ये भी जो टॉपिक है ये भी नर्सिंग एप्टीट्यूड सिलेबस का ही एक पार्ट है। और इससे भी नर्सिंग के आपका जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें से इससे टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी मिलती रहें। सो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो मैं बात कर लेता हूँ कि आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक हो गया क्लिनिकल डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट, सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। आपके अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में जो रिक्वायरेबल होते ही होते हैं। तो मैं देख लेता हूँ पहले कौन कौन से आपके क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप देख लीजिए कि जैसे आपके कुछ डिपार्टमेंट रहते हैं, कैजुअल्टी डिपार्टमेंट, ऑपरेशन थिएटर या फिर ऑपरेटिंग थिएटर ओटी रहता है। नेक्स्ट है इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि आईसीयू। आईसीयू कॉमन, आईसीयू और ओटी आपको कॉमन पता ही होगा, बट फिर भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को आप अच्छे से बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो सके। नेक्स्ट है एनेस्थीजियोलॉजी डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, ईएनटी डिपार्टमेंट, गैरियट्रिक डिपार्टमेंट, गैस्ट्रोइंटोलॉजी डिपार्टमेंट, जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजी, ऑनकोलॉजी, ऑप्थल्मोलॉजी, ऑर्थोपैडिक, यूरोलॉजी, साइक्रेट्री, इमपेशेंट एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि आईबीडी और ओपीडी। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ कुछ आपके नर्सिंग डिपार्टमेंट भी रहते हैं, उनकी भी मैं कुछ बारे में उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा, जो वीडियो को देखते रहिए आप। नेक्स्ट आपके डिपार्टमेंट हैं सपोर्टिव डिपार्टमेंट, जो हॉस्पिटल को सपोर्ट करते हैं। अदर जो होते हैं डिपार्टमेंट, जैसे कि आपका फार्मेसी डिपार्टमेंट हो गया, रेडियोलॉजी, क्लिनिकल, न्यूट्रिशन, कैटरिंग एंड फूड सर्विसेज, सेंट्रल स्टरलाइजेशन यूनिट एंड हाउसकीपिंग, ये भी आपके सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स रहते हैं। कुछ आपके डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट, यानी कि क्लिनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग सर्विस, या फिर आपके कुछ और भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। सो ये आपके कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो जैसे कि आपके हो गए क्लिनिकल, नर्सिंग, सपोर्टिव, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अब एक एक डिपार्टमेंट को मैं डीपली क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके जो क्वेश्चन बदले तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सो फर्स्ट आपका जो डिपार्टमेंट है वो है कैजुअल्टी डिपार्टमेंट। सो जो आपका कैजुअल्टी डिपार्टमेंट होता है इज़ नोन एज ऑल्सो इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ये आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी होता है विच डील्स द इमरजेंसी कंडीशन और प्रोवाइड इमीडिएट ट्रीटमेंट। जैसे कि किसी भी पेशेंट की क्या हो जाती है, अगर कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन है, बहुत ज़्यादा मोस्टली जो कंडीशंस रहती हैं इमरजेंसी की आ ही जाती हैं। सो जो इस डिपार्टमेंट में पेशेंट को ले जाया जाता है वो होता है कैजुअल्टी डिपार्टमेंट, जिसे हम इमरजेंसी नाम से मोस्टली जानते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इन दिस डिपार्टमेंट पेशेंट्स आर एक्सेस केयरफुली एंड प्रोवाइडेड इमीडिएट। इसमें क्या होता है कि वेट नहीं करा जाता है, इमीडिएट पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। तो ये आपका रहता है कैजुअल्टी या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट रहता है ऑपरेशन थिएटर, यानी कि ओटी। ऑपरेशन थिएटर इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग रूम एंड ऑपरेटिंग सूट और ऑपरेशन सूट। ये आपके जो कुछ मतलब ऑपरेशन थिएटर को हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग रूम हो गया, ऑपरेटिंग सूट हो गया एंड ऑपरेशन सूट, इन नाम से भी जानते हैं, बट मोस्टली हम ओटी ही कहते हैं। और ओटी क्या होता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ओटी आप कॉमन आपको पता ही होता है दैट ओटी डील्स विद सर्जिकल ऑपरेशंस वेयर सर्जन्स परफॉर्म सर्जरी, जहाँ पर क्या होती है पेशेंट का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, सर्जरी की मदद से पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। और ओटी जो होता है वेल लाइटिंग, यहाँ पर लाइटिंग, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी बहुत अच्छे से कंट्रोल करना होता है, क्योंकि यही एक जगह होती है जहाँ पर क्या है पेशेंट जो पेशेंट होता है उसका ऑपरेशन किया जाता है।
नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट है इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू। इससे भी आप इस डिपार्टमेंट से भी अच्छे से आप अवेयर होंगे कि जैसे कि जब क्या होता है पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है तब उसे ओटी से ट्रांसफ़र किया जाता है आईसीयू से। आईसीयू क्या होता है उसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ क्रिटिकल केयर यूनिट, क्योंकि कंडीशन क्या हो जाती है जब क्रिटिकल हो जाती है तब उसे आईसीयू में पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है और इसको सीसीयू शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। देन आईसीयू और एक इसका और भी नेम होता है, एक दो नेम और इसके होते हैं, दैट इज इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट यानी कि आईटीयू और इंटेंसिव थेरेपी यूनिट। ये इसके कुछ अदर नेम्स भी होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट, देन आप मार्क कर देंगे इंटेंसिव केयर यूनिट पर, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई आता है एग्जाम में। नेक्स्ट मैं अगर इस और इस डिटेल की बात करूँ, इंटेंसिव केयर यूनिट डील्स विद लाइफ थ्रेटनिंग और सेवरल इंजरीज एंड इलनेस दैट रिक्वायर क्लोज मॉनिटरिंग फ्रॉम द लाइफ सपोर्ट डिवाइसेस एंड कॉन्स्टेंट केयर। जैसे कि इंटेंसिव केयर यूनिट में जैसे मैंने बताया कि इसमें जो क्या रहता है कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है पेशेंट की और इसमें जो इंजरीज होती हैं जब बहुत ज़्यादा सेवर इंजरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की इंजरीज हो जाती हैं, इंजरीज पेशेंट को हो जाती, उस टाइप का जब ट्रीटमेंट है तो वो ओटी में नहीं आईसीयू में ट्रांसफ़र करके आईसीयू में आपको इन सब चीज़ों से कंट्रोल किया जाता है और इसमें आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसीलिए हम इसे क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, इस वजह से हम क्रिटिकल केयर यूनिट भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट है एनेस्थियोलॉजी डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में क्या रहता है, डॉक्टर्स एडमिनिस्टर एनेस्थीशिया टू द पेशेंट बिफोर वेरियस प्रोसीजर्स एंड सर्जरी। इस डिपार्टमेंट में क्या होता है, जो पर्सन को है पहले एनेस्थीशिया दी जाती है, एनेस्थीशिया ताकि मतलब आगे जो भी सर्जरी हो उसके लिए उसे तैयार करा जाता है, उससे पहले एनेस्थीशियल डिपार्टमेंट में उसे ले जाया जाता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेस्थीशिया आपके रहते हैं, जनरल एनेस्थीशिया, नर्व प्लेक्सस ब्लॉक्स, सेंट्रल नॉर्निक स्टॉक। जैसे एनेस्थीशिया का यहाँ पर ये मतलब होता है कि जैसे पेशेंट को सर्जरी के टाइम कोई चीज़ का एहसास ना, इस तरह इससे पहले उसे एनेस्थीशियोलॉजी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि उसे एनेस्थीशिया प्रोवाइड हो सके। और इसी के लिए एनेस्थीशिया टेक्नीशियंस भी होते हैं, एनेस्थियोलॉजी टेक्नीशियंस भी रहते हैं जो ये वर्क परफॉर्म करते हैं। सो ये आपका रहता है एनेस्थियोलॉजी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि कार्डियोलॉजी यानी कि हार्ट से रिलेटेड। अगर आपके हार्ट से रिलेटेड कोई भी आपका रिकवरी करनी है, जैसे कुछ भी अगर हार्ट में प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट करना है, तो वो कौन डिपार्टमेंट हैंडल करता है इस टाइप के ट्रीटमेंट्स, वो रहते हैं आपका कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट डील्स विद द ह्यूमन हार्ट एंड सर्कुलेशन प्रॉब्लम। वही मैंने सिंपल आपको बताया, कोई भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देन दे विल हैंडल, दैट इज़ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन क्या है, एक से दो ही इस टॉपिक से आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। अगर आप ज़्यादा डिटेल में एक ही टॉपिक पर फोकस करेंगे तो आप बाकी टॉपिक को अच्छे से नहीं देख पाएंगे, इसलिए देखना भी है टॉपिक को और ज़्यादा उसमें डीप जाना भी नहीं है। सो नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट है ईएनटी डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट से भी आप अवेयर होंगे, दैट इज़ ईएनटी। ईएनटी मीन्स ईयर नोज एंड थ्रोट डिसऑर्डर्स, यानी कि आपके जो कहते नहीं है नॉर्मली हिंदी लैंग्वेज में नाक कान गले के डॉक्टर्स, यानी कि ईएनटी डिपार्टमेंट डील्स विद द वेरियस डिसऑर्डर। आपके कोई कान में प्रॉब्लम है, नेक में कोई कैंसर रिलेटेड कोई भी अदर प्रॉब्लम है, या फिर क्या है सेलिवरी ग्लैंड डिजीज़ कोई है, ईएनटी में किसी भी तरह की यानी कि ईयर नोज एंड थ्रोट में किसी तरह के डिसऑर्डर है, तो वो कौन हैंडल करते हैं, ईएनटी डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स, यानी कि वो कहाँ होते हैं, ईएनटी डिपार्टमेंट्स में होते हैं। सो ये आपका हो गया ईएनटी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट है गेरियाट्रिक डिपार्टमेंट। गेरियाट्रिक डिपार्टमेंट आपका किससे डील करता है, एल्डरली पीपल, मतलब कि इसमें क्या होता है जो बड़े एज लेवल के लोग होते हैं, ओल्डर लेवल के आप ही कह सकते हैं लोग, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, फिजिकल या फिर किसी भी मेंटल वेलबींग, कोई भी मेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो वो कौन हैंडल करता है, कौन सा डिपार्टमेंट, गेरियाट्रिक डिपार्टमेंट इस टाइप की कंडीशंस को हैंडल करता है, किस कौन एल्डरली एज पीपल जो होते हैं। अगर मैं बात करूं कि इस डिपार्टमेंट कौन कौन से डिजीज़ कंट्रोल किए जाते हैं, कौन कौन से डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि आपका क्या हो गया डेमेंटिया, एंथराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डाइस, पैंकिसंस डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, सिंकोप एंड डायबिटीज़ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं एल्डरली एज पीपल्स को, तो वो कहाँ हैंडल की जाती हैं, गेरियाट्रिक डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट है
गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट आपको कौन सा होता है? दिस डिपार्टमेंट डील्स विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। गैस्ट्रो यानी कि गैस्ट्रो से ही आप समझ सकते हैं कि रिलेटेड टू स्टमक। स्टमक मतलब आपका स्टमक हो गया। इंटेस्टाइन मतलब कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करता है? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट। इसमें क्या है, आपकी कौन कौन से डिजीज़ के मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाता है, लाइक आपका पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, गॉल स्टोन्स, इनडाइजेशन, फीकल इनकोटेंस, हाइक्री डिजीज एंड परफॉर्म वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर्स। इस टाइप के अगर किसी भी चीज़ की अगर आपको प्रॉब्लम है इस इन चीज़ों से रिलेटेड तो आपका वो कहाँ हैंडल की जाएंगी, कहाँ उसका ट्रीटमेंट होगा? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट है जनरल सर्जरी। इन दिस डिपार्टमेंट परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ, इस ये डिपार्टमेंट ज़रूरी नहीं कि हर हॉस्पिटल में होता है। यहाँ पर क्या है, जनरल सर्जरी परफॉर्म की जाती है, लाइक आपकी प्रॉब्लम हो गई रिलेटेड टू थायराइड सर्जरी, कोलोन सर्जरी हो गई, गाल बेड सर्जरी हो गई, ब्रेस्ट सर्जरी हो गई, ब्रेस्ट सर्जरी जो आपकी होती है, इस टाइप से अगर किसी टाइप की सर्जरी होती है तो वो कहाँ परफॉर्म की जाती है? जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट क्या डील्स करता है, इस डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपका ट्रीटमेंट करते हैं रिलेटेड टू किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट हो गया, प्रिवेंशन हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। अगर फीमेल के किसी भी मतलब फीमेल की किसी भी मतलब तरह की प्रॉब्लम है इस पार्ट्स में, यानी कि हो गया जैसे आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कहाँ के डॉक्टर्स डील करते हैं, जो होते हैं गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट इस तरह की प्रॉब्लम को डील करता है। और कुछ और प्रॉब्लम्स हो गई लाइक इनफर्टिलिटी, इनकॉन्टिनेंस एंड एंडोमेट्राइटिस, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स को कौन डील करता है, कहाँ के लोग डील करते हैं, आपके हो गए गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स। नेक्स्ट है हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट। हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट एंड हीम यानी कि हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन इट मीन्स रिलेटेड टू ब्लड। सो आपके क्या हो गए, हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट डील्स विद इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट आपका कहाँ का होता है, ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, तो वो कौन से डिपार्टमेंट में आपकी क्योर होगी, वो होगी हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट। द पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट डील्स विद द इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, यानी कि इन्फेंट जो हो गए, चिल्ड्रंस को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज डिसऑर्डर है, तो इस तरह के अगर इस तरह के एज वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वो कहाँ अपनी प्रॉब्लम को लेके जाएंगे, पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट किस टाइप के डिजीज कंट्रोल करता है, ये डिजीज कंट्रोल करता है इन्फेक्शियस डिजीज, कंजेंटल डिजीज, मेंटल डिसऑर्डर, चाइल्डहुड कैंसर अगर हो गया, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कौन डील से करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। न्यूरोलॉजी से ही आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, रिलेटेड टू ब्रेन यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन नर्व सिस्टम। ह्यूमन नर्व सिस्टम में किसी भी तरह के प्रॉब्लम है, कोई भी ट्रीटमेंट करना है, तो वो कौन से डिपार्टमेंट डील करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स को, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट। ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट नेम से ही आपको पता चल रहा होगा, ऑनकोलॉजी जो होता है वो रिलेटेड टू कैंसर होता है, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कौन से डिपार्टमेंट में होता है, लाइक और भी मतलब जो कैंसर के जो ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या होता है, कीमोथेरेपी होती है आपकी, रेडियोथेरेपी होती है, सर्जरी होती है, तो ये टाइप के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, आपके होते हैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट। ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट क्या है, दिस डिपार्टमेंट डील्स विद द आई प्रॉब्लम्स एंड ट्रीटमेंट, यानी कि ऑप्थेल्म यानी कि रिलेटेड टू आई, आई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ट्रीटमेंट है, तो वो कहाँ हैंडल होगा, आपका ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से ही आपको पता चल रहा होगा, रिलेटेड टू मस्कुलर, मस्कुलर मतलब मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, यानी कि मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड की मतलब कि बोन से रिलेटेड कोई भी रिपेयर, ट्रीटमेंट, कोई भी डिसऑर्डर है, तो वो आपका कहाँ पर, उस टाइप की प्रॉब्लम को लेकर आप कहाँ जाएंगे, आपका हो गया ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट क्या मतलब किस टाइप के प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है, अगर फीमेल एंड मेल के यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी तरह की या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी तरह की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो वो कौन सी अपनी प्रॉब्लम को लेकर कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे हॉस्पिटल के, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट इस टाइप की डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करता है।
नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट है साइक्रेटरी डिपार्टमेंट, यानी कि ये डिपार्टमेंट जो है साइक्रेटिक वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, रिलेटेड टू मेंटल, मतलब मेंटल मेंटल यानी कि ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मेंटल आपकी कोई भी इलनेस है या फिर कोई भी डिसऑर्डर है तो उस टाइप के ट्रीटमेंट में कौन हेल्प करेगा, कौन से डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स इस ट्रीटमेंट को देखेंगे, साइक्रेटरी डिपार्टमेंट। देखिए हर डिपार्टमेंट का जो नेम है वो उसकी प्रॉब्लम्स यानी कि उसके जो डिजीज़ एंड डिसऑर्डर है उससे बहुत रिलेट कर रहा है, तो आपको ये इतना ज़्यादा डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ही हिंट ही आपको मिल रही है। तो इस वजह से आप एमसीक्यू करने में, आपको अगर इस टाइप की एमसीक्यू आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आपको बहुत ईजी रहेंगे। आपका डिपार्टमेंट है आईपीडी यानी कि इमपेशेंट डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट है थोड़ा और डिपार्टमेंट से थोड़ा अलग है। इस डिपार्टमेंट में क्या रहता है, अगर आप किसी भी इलनेस से रिलेटेड इस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको क्या, जैसे कि कहा नहीं जाता है कि आप 24 आवर्स के लिए भर्ती हो जाइए, इस ये जो डिपार्टमेंट है ये इसी चीज़ को हैंडल करता है कि जब पेशेंट के क्या होता है लगभग ये 24 आवर्स को जो एडमिट होना होता है पेशेंट को, तो यहाँ पर ही पेशेंट को एडमिट करा जाता है ताकि वो डॉक्टर या नर्सेस के फ्रंट में रहे, उनके ही ट्रीटमेंट में उनके सामने रहे ताकि उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करा जा सके। अप्रॉक्स 24 आवर्स के लिए यहाँ पर क्या होता है एडमिट करा जाता है। और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है आउट पेशेंट, इस डिपार्टमेंट में क्या रहता है कि इस डिपार्टमेंट में लोग जाते हैं फॉर द कंसल्टेशन, मतलब कि पूछताछ के लिए, जानकारी के लिए, किसी भी ट्रीटमेंट के मतलब चीज़ों को जानने के लिए कि इस ट्रीटमेंट का क्या इलाज है इस टाइप का। यहाँ पर क्या होता है आपको सब कुछ करा जाता है बट यहाँ पर क्या है पेशेंट को एडमिट नहीं करा जाता है, पेशेंट को टाइम ऑफ द डे एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द मतलब किसी भी टाइम पर उसे एडमिट नहीं करा जाता है, बस उसको उसके ट्रीटमेंट का इंफॉर्मेशन दे के बता के मेडिकल सर्विसेज सारी प्रोवाइड करके उसको क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी जाती है, डॉक्टर क्या उसे मेडिकल प्रिस्क्राइब कर देता है, बट यहाँ पर क्या होता है किसी भी तरह के क्या होता है एडमिशन यानी कि एडमिट नहीं किया जाता है। तो ये आपका रहता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपके कौन कौन से नर्सिंग डिपार्टमेंट रहते हैं। नर्सिंग डिपार्टमेंट से आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लिया और आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही देन प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक द वीडियो, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें क्योंकि क्या रहता है इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क दैट आई कलेक्ट सच कंटेंट एंड देन आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट वेल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, इट लुक्स टू ईजी बट इट नॉट ईजी, शेयर विद योर फ्रेंड्स दैट्स वाई यू विल सपोर्ट डे आफ्टर डे, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट टू प्रोवाइड मोर कंटेंट लाइक दिस इन द फ्यूचर, सो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। सो नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट है नर्सिंग डिपार्टमेंट इन अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कौन कौन से नर्सिंग डिपार्टमेंट रहते हैं। नर्सिंग डिपार्टमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल दैट प्रोवाइड्स नर्सिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट। ये जो आपका डिपार्टमेंट रहता है इसका मतलब ये नहीं रहता है कि ये किसी तरह का ट्रीटमेंट करता है, यहाँ पर क्या रहती हैं अलग अलग नर्सेस रहती हैं, जैसे आपकी स्टाफ नर्स हो गई, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग मैनेजर, और वहाँ पर रहती हैं। यहाँ पर क्या है आपके सारे रिकॉर्ड्स देते जाते हैं, नर्सिंग को जो भी प्रोवाइड करा जाता है एजुकेशन वो यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहती, कैसे पेशेंट को केयर करना है, कैसे उनके रिकॉर्ड्स रखने हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन सारे रिकॉर्ड करने, कैसी प्लानिंग करनी है, कैसे मैनेजमेंट हॉस्पिटल का रखना है, ये सारी डिटेल्स की इंफॉर्मेशन और सारे जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो नर्सिंग डिपार्टमेंट में हैंडल किए जाते हैं। नर्सिंग डिपार्टमेंट इसलिए होता है, वहाँ पर सारी नर्सेज इस टाइप की चीज़ों को कंट्रोल करती हैं, ये भी डिपार्टमेंट होना हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट आपके आगे सपोर्टेड डिपार्टमेंट इन अ हॉस्पिटल, कौन कौन से जो आपके सपोर्ट करते हैं हॉस्पिटल को, साइड में जो मतलब डिपार्टमेंट्स आपके रहते हैं अदर देन आपके क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हो गए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फार्मेसी डिपार्टमेंट। फार्मेसी डिपार्टमेंट आपका क्या रहता है, फार्मेसी डिपार्टमेंट इन अ हॉस्पिटल इज अ डिस्पेंसरी दैट प्रिपेयर्स कंपाउंड्स स्टोर्स एंड डिस्पेंस मेडिकेशन स्पेशली फॉर द इमपेशेंट क्लाइंट्स। ये डिपार्टमेंट का ये मतलब रहता है, ये डिपार्टमेंट आपका क्या रहता है, वहाँ पर क्या होगी आपको सारी मेडिसिंस होगी, मेडिसिंस का प्रिपरेशन मटेरियल जैसे प्रिपेयर हो रही है सारी वहाँ पर रखी होंगी, स्टोर्स होंगे मेडिसिन के, वो मतलब सारी मेडिसिन का जो डेटा है और मेडिसिन कौन कौन सी हैं और वहाँ पर किस तरीके से उनके वो प्रिपरेशन चल रही है वो सारे आपका कौन हैंडल करता है, फार्मेसी डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का भी होना ज़रूरी है, ये हॉस्पिटल को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहता है। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी से आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में क्या आपको जैसे कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा कि एक्सरे एंड सीटी स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड ये टाइप की अगर आपको ये चीज़ें करवानी है डिसऑर्डर, क्योंकि पता करना है कि कौन सा डिसऑर्डर है तो ये आपके किस मदद से किसकी वजह से होगा, एक्सरे या फिर सीटी स्कैन या फिर अगर आपके कोई भी
होल बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है इंटरनली, तो वो कौन डिटेक्ट करेगा? अल्ट्रासाउंड। तो ये सब चीज़ों को आप कहाँ करवाएंगे? करवाएंगे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट आपका है आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। क्लिनिकल पैथोलॉजी मेडिकल लेबोरेटरी, ये डिपार्टमेंट आपका क्या रहता है? इस डिपार्टमेंट में आपको अगर ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना है, ब्लड मतलब आपके डिटेक्ट करना है कौन सा डिजीज़ है आपके बॉडी में थ्रू द ब्लड अगर पता करना है, तो वो आप कहाँ करवाने जाएंगे? क्लिनिकल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। डाइटेटिक्स, दिस डिपार्टमेंट प्रोवाइड प्रोफेशनल एडवाइस ऑन डाइट। ये डिपार्टमेंट क्या है? ये एडवाइस देता है आपको कि आपकी क्या डाइट प्लान रहना है, क्या न्यूट्रिशन रहना है। ये सजेशन आपको कौन देगा, कौन सा डिपार्टमेंट देगा? न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट है केटरिंग एंड फूड सर्विस डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स बैलेंस मील टू इमपेशेंट क्लाइंट्स, देयर फैमिलीज, हॉस्पिटल स्टाफ अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट। मतलब कि जो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट होता है, जो सारी डाइट देखता है कि किसको क्या प्रेस्क्राइब करना है, सो वो डाइट जो वहाँ के स्टाफ्स होते हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ उन्हें क्या फूड सर्विसेज कैसे क्या जानी है, न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट जो इन्हें एडवाइस देगा उसके अकॉर्डिंग ये स्टाफ्स को, जो हॉस्पिटल के सारे स्टाफ्स होते हैं, उन्हें क्या फूड सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो ये कौन देखता है? केटरिंग एंड फूड सर्विस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है सेंट्रल स्टरलाइजेशन यूनिट डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट क्या देखता है? ये हॉस्पिटल की क्लीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल लेता है, इंस्ट्रूमेंट की क्लीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कोई भी इन्फेक्शन जो होता है वो फैले ना हॉस्पिटल में, ये भी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हॉस्पिटल में, तो इस डिपार्टमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल टू क्लीन ऑल, नीट एंड क्लीन, ये भी नीट एंड क्लीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर्विस इंक्लूड क्लीनिंग, सारी रूम की क्लीनिंग करनी है, डिस्पोज ऑफ वेस्ट, इधर उधर वेस्ट ना फैले, इस टाइप की जो हाउसकीपिंग एंड सेंट्रल स्टरलाइजेशन। मतलब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये क्या है? सिर्फ सफाई सफाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो क्या है? इन्फेक्शन को खत्म करना, वो स्टरलाइजेशन प्रोसेस से करता है वो डिपार्टमेंट, और ये है सिर्फ सफाई के लिए डिपार्टमेंट होता है। इन डिपार्टमेंट में डिफरेंस है। नेक्स्ट आ जाते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट्स इन अ हॉस्पिटल। ये डिपार्टमेंट क्या है? टेक्निकली वर्क करते हैं। डिपार्टमेंट है क्लिनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर द एडवांस केयर इन अ हॉस्पिटल थ्रू एक्टिव सपोर्ट, डायरेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। क्लिनिकल इंजीनियरिंग इंस्पेक्ट टू मेंटेन द परफॉर्मेंस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स दैट प्रोवाइड हैजार्ड्स एंड ऑप्टिमाइज द एक्यूरेंस ऑफ रिजल्ट। मतलब कि अगर जो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं हॉस्पिटल में, और जो मतलब जो भी सर्जरी के लिए यूज़ हो रहा है, या अदर हॉस्पिटल में किसी भी डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट, किसी भी ट्रीटमेंट में कंट्रोल करने के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, उनकी देखभाल, उनकी मेंटेनेंस को कौन देखते हैं? क्लिनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट वो जो इक्विपमेंट है सही से वर्क कर रहा है, कोई हैज़ार्ड्स तो नहीं क्रिएट कर रहा है, इस टाइप की सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे क्लिनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ये डिपार्टमेंट क्या डील्स करते हैं? स्टोर एंड ट्रैक एंड पेशेंट रिकॉर्ड। ये सारे रिकॉर्ड्स देखते हैं, सारा डेटा देखते हैं हॉस्पिटल का, पेशेंट का, एंड हॉस्पिटल में क्या क्या मतलब सारी चीज़ों के डेटा ये देखते हैं। ये डिपार्टमेंट इसी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग सर्विसेज। इंजीनियरिंग सर्विसेज डील विद इलेक्ट्रिकल। देखिए ये जो होते हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई, जो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हॉस्पिटल के लिए, वाटर सप्लाई, पाइप्ड मेडिकल गैसेस, क्लिनिकल वैक्यूलिंग सिस्टम, एयर कंडीशनिंग, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एंड वाटर सप्लाई, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को कौन हैंडल करता है? इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट, यानी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज ये चीज़ों को देखती हैं। नेक्स्ट आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं हॉस्पिटल में, इन पर भी एक बार आप नज़र डाल लीजिए। वैसे कि ये जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गए, उसके बाद ये टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हो गए, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन ना ही आने की प्रॉबिलिटी है, बट मैं कोई भी डिपार्टमेंट छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ कन्फर्मेशन नहीं है कि कहाँ से एक क्वेश्चन आ जाए, और फिर वो आपको फिर गिल्टी फील होगा कि आप ये प्रिपेयर कर लेते, तो इनको आप इतना डीपली ना देखिए। जो आपको डीपली देखना है वो है क्लिनिकल डिपार्टमेंट, ज़्यादा उन पर फोकस डालिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में क्या होता है? मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट डील्स विद मेडिकल डेटा, जो सारा डेटा वगैरह होता है इमपेशेंट का, आउटपेशेंट का, क्लाइंट का, वो सारा डेटा मेडिकल रिकॉर्ड से ही, डिपार्टमेंट नेम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये सारे रिकॉर्ड्स को देखते हैं।
नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट. दिस डिपार्टमेंट डील्स विद द रिक्वायरिंग एम्प्लॉयज इन वेरियस पोर्शन ऑफ द हॉस्पिटल. मतलब कि देखिए हॉस्पिटल में क्या होती है, अलग अलग पोस्ट होती हैं, वहाँ के पोस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, सारी पोस्ट पर मतलब हर एक पर्सन है अवेलेबल है नहीं है, किसी को अरेंज करना है, किसी को किसी एम्प्लॉय को लाना है, किसी एम्प्लॉय को हटाना है, तो इन सारी चीज़ों को कौन हैंडल करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट. नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट. इस नेम से ही आपको पता चल रहा होगा रिलेटेड टू फाइनेंशियल, मतलब कि हॉस्पिटल की फाइनेंशियल ग्रोथ को कौन, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, कि जैसे कि हर जो मेडिकल स्टाफ है उसको क्या परचेसिंग करना है, मतलब वही मतलब आप कह सकते हैं एज अ सैलरी, सैलरी को मेंटेन करना, किसे क्या मतलब प्रोवाइड करना है, इन सब फाइनेंशियली जो एस्पेक्ट्स रहते हैं सारे उन्हें कौन हैंडल करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट. एट लास्ट आपका जो डिपार्टमेंट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट डील्स विद द, ये जो डिपार्टमेंट है ये ओवरऑल सारा मैनेजमेंट देखता है हर डिपार्टमेंट का, हर डिपार्टमेंट एक स्मूथली तरीके से रन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही है, इस चीज़ को कौन हैंडल करेगा, हमारा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वही होता है जो पूरे हॉस्पिटल को अच्छे से रन कर सके और हॉस्पिटल जो है स्मूथली हाई फाइनेंशियल बेनिफिट के साथ रन हो रहा है, सो ये सब चीज़ों को कौन देखेगा, हमारा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. सो ये आपके सारे डिपार्टमेंट्स हो गए, क्लिनिकल डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट, सपोर्टिव डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स मैंने आपको क्लियर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं. मेरे अकॉर्डिंग तो अब कोई भी डिपार्टमेंट नहीं बचा होगा और आई होप कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई हो. अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत मैसेज करें एंड वीडियो को प्लीज़ बिना लाइक किए बिना मत जाइएगा. एंड सो नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो. आई विल कम बैक विद अ न्यू पार्ट ऑफ नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन सीरीज़ अगेन.